यदि कोई किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाता तो केवल कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य की सारे पाप नाश हो जाती है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। अधिक मास में धार्मिक कार्य करने से उसकी अधिक फल प्राप्त होता है और परम एकादशी के व्रत करने से मनुष्य को भगवान विष्णु की विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। सभी वैष्णवों यानी भगवान विष्णु या उनके अवतारों को अपना स्वामी मानने वालों को परम एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत रखकर इसकी व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। तो आइए जानते हैं परम एकादशी की पौराणिक कथा क्या है। प्राचीन काल में एक सुमेधा नामक ब्राह्मण और उनकी पत्नी पवित्रा रहते थे। पवित्रा परम सती और साध्वी प्रवृत्ति की थी। दंपति बेहद गरीब थे लेकिन बहुत ही धार्मिक भी। गरीबी से दुखी होकर एक दिन सुमेधा ने परदेश जाने का विचार अपनी पत्नी को बताया। तब वह बोली कि स्वामी धन और संतान पूर्व जन्म के दान से ही प्राप्त होते हैं, अतः आप इसके लिए चिंता ना करें। ऐसे ही दिन गुजरते रहे और एक दिन उनके घर महर्षि कौंडिन्य पधारे। ब्राह्मण दंपति ने बेहद प्रसन्न मन से उनकी सेवा की। महर्षि ने उनकी दशा देखकर उन्हें परमा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि तुम दंपति मिलकर अधिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो और रात्रि जागरण कर प्रभु का नाम लो। इसी एकादशी के व्रत से यक्षराज कुबेर धनाधीश बने और हरिश्चंद राजा हुए। इसके बाद सुमेधा ने पत्नी सहित परमा एकादशी का व्रत किया और एक दिन सुबह कहीं से अचानक ही एक राजकुमार वहां आया और सुमेधा को धन अन्न और सर्व साधन से संपन्न कर दिया। इस व्रत को करने से ब्राह्मण दंपति के दुर्दिन दूर हो गए।